वैशाली जिला बिदुपुर से सिवान महाराजगंज जा रहे दो गांजा के तस्कर को सोनपुर पुलिस ने 2 लाख रुपए से ऊपर 20 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी देते हुए सोनपुर SDPO अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि हाजीपुर छपरा मुख्य मार्ग के NH-19 के रास्ते गांजा जा रहा है। इसी बीच सोनपुर बाईपास स्थित लाइन होटल के समीप पुलिस ने नाकेबंदी कर पहले एक शिफ्ट डिजायर कार को जब्त कर लिया। उसमें एक कारोबारी को पुलिस ने 10 किलो गांजा के साथ पकड़ लिया। इसी बीच पुलिस को देखकर 10 किलो गांजा के साथ जा रहे दूसरा कारोबारी पुलिस को देखकर सोनपुर के चित्रसेनपुर वाला रास्ता में ऑटो को घुमा दिया। पुलिस तब तक पीछा करती उक्त कारोबारी कार लेकर भागने लगा। भागने के क्रम में ऑटो कार पलट गया। तब तक दोनों कारोबारी कार से उतरकर फरार हो गए। हम लोगों की हाजीपुर तरफ से दो गाड़ी आ रही है, जो दोनों गाड़ी में गांजा लेकर और बाहर दूसरे जिला सिवान में ले जाके गांजा दिया जा रहा है। इसी के सत्यापन के क्रम में घेराबंदी किया गया NH-19 पर सोनपुर थाना के पदाधिकारियों द्वारा। घेराबंदी के क्रम में ही एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर पहले पकड़ी गई, जिसमें 10 किलो गांजा था। उसको पकड़ता हुआ देखकर दूसरा गाड़ी जो उसके पीछे से अल्टो आ रहा था, वो भागने का प्रयास किया। भागने के क्रम में वो NH पे एक्सीडेंट कर गया, गिर गया NH पे, और उसे भी पकड़ा गया। उसमें भी 10 किलो गांजा बरामद किया गया है। दोनों गाड़ी में से 2 व्यक्ति भी पकड़े गए हैं। कुछ 2 व्यक्ति और थे जो वहां से घटनास्थल से भाग गए हैं, इनका नाम क्लियर हो गया है। और ये लोग सारा जो अवैध नारकोटिक्स जो है गांजा, वो लेके बिदुपुर में दाऊद नगर से लेके आ रहे थे। ये दो गाड़ी से क्यों, क्या बताने? ये दो गाड़ी से इसलिए जाते थे कि एक गाड़ी से आगे रोड क्लियर करते थे कि आगे कोई पुलिस फोर्स यदि हो तो वो दूसरे गाड़ी को खबर कर देता था। दोनों के पास जो मोबाइल बरामद हुआ उसमें देखे दोनों कनेक्टिविटी अपना बनाए हुए, दोनों आपस में कनेक्शन बनाए हुए। एक अपराधी जो भाग के खेत में छुपा था, वो क्या मामला था सर? वो जो गाड़ी पलटी उसी में से गाड़ी से निकल के एक अपराधी खेत में जाके बैठ गया था। क्योंकि खेत में अभी सुबह सुबह खेतियर जो किसान है वो भी काम कर देते हैं खेत में, तो उन्हीं का वेस्ट लेकर पैंट अपना खोल के बैठ गया था कि हमको पुलिस पहचान ना पाए। पुलिस भी उसको पहचान नहीं सकता।